महाराष्ट्र की ऐतिहासिक धरती से गौरवमयी इतिहास लेकर राष्ट्रीय समाज पार्टी समूचे हिंदुस्तान में गरीब मजलूम और शोषितों की आवाज बनकर तेजी से उभर कर सामने आ रही है। गरीब मजलूम और शोषित वर्ग का प्रतिनिधित्व इस बार एक ऐसा साधारण व्यक्तित्व कर रहा है जो खास होकर भी आम है। वह इतिहास के पन्नों में अपनी जगह बनाने का मादा रखता है, जिसका अपना राजनीतिक दल है और महाराष्ट्र के राजनीतिक प्रभावशाली धनकुबेरों के पसीने छुड़ाने की ताकत भी प्रस्तुत कर चुका है। वह राजनीतिक दल सिर्फ और सिर्फ शोषित समाज को न्याय दिलाने के लिए तन मन धन और जन से हर वक्त खड़ा रहता है। आज वह दल 15 वर्ष की आयु का हो चुका है और उस दल के नेतृत्वकर्ता मजलूम शोषितों के सहायक महाराष्ट्र कैबिनेट में पशुधन मंत्री महादेव जानकर के अनुभव के बूते हिंदुस्तान की राजनीति में तेजी से उभरते हुए सूरज की तरह दिख रहा है। उस दल ने दिल्ली की धरती पर पहली दफा अपनी ताकत का परिचय दिया मात्र 15 वर्ष की आयु में। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में महादेव जानकर की आम जनमानस की पार्टी यानी राष्ट्रीय समाज पार्टी ने अपने 15वें स्थापना दिवस समारोह को दिल्ली की धरती पर हिंदुस्तान भर से आए हजारों लोगों के साथ ऐतिहासिक बनाने का कार्य किया और इस इतिहास के गवाह बने भारत सरकार के कई मंत्री। केंद्रीय सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गिरिराज सिंह ने रासपा को कार्यक्रम के लिए बधाई दी तो महाराष्ट्र के धनगरों के आंदोलन पर भी सफाई प्रस्तुत की। देखिए, मैं महादेव जी को राष्ट्रीय समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री हैं, मैं इनको कोटिशा धन्यवाद देता हूं कि धनकर समाज को, वंचित समाज को आगे लाने का काम वहां की सरकार कर रही है, फडणवीस की सरकार। और मैं धन्यवाद देता हूं मोदी जी को SC ST और OBC को जो ताकत दिया है, उस ताकत का लाभ धनकर समाज को मिलेगा और इन्होंने अब महाराष्ट्र से निकाल के देश के क्षितिज पर लाने का काम किया है, कई राज्यों में संगठन बनाया है। मेरा शुभकामना है इनको कि समाज को देश की ऊंचाई पर ले जाने का काम। कार्यक्रम में महाराष्ट्र सरकार के महिला एवं बाल कल्याण मंत्री पंकजा ताई गोपीनाथ मुंडे ने भी रासपा के फाउंडर महादेव जानकर की जमकर तारीफ की। उन्होंने जानकर को भाई बताया और भाजपा को माँ तो राष्ट्रीय समाज पार्टी को मौसी कहा। राष्ट्रीय समाज पक्ष ये हमारा खुद का अपना पक्ष है। महादेव जी जानकर हमारे बहुत मुंडे साहब के करीबी थे, मेरे भाई हैं, उनके मुंडे साहब उनको अपना पुत्र मानते थे और वो अपने महाराष्ट्र की सीमाएं लांघ के पूरे देश में काम करें, ये मेरी इच्छा है, हमारे पार्टी की भी इच्छा है, हमारे अलायंस में वो है। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धनगर समाज के लिए हम क्या कहना चाहेंगे, काफ़ी दिन से आंदोलन होता रहा है धनगर समाज के लिए, क्या कुछ? धनगर समाज का आंदोलन आज 60-70 साल से चल रहा है, उनको न्याय मिलना चाहिए, ऐसा मेरा खुद का मत है। और इस मत पे मैं विरोधी पक्ष में थी तभी भी काम करती थी और उनको हमने वादा भी किया है हमारी सरकार ने और हम ज़रूर वादा निभाएंगे, हम उस पर काम कर रहे हैं। तो बस ये कोर्ट में सही हो जाए, कॉन्स्टिट्यूशनली सही हो जाए, इसके लिए हम प्रयास करें। सवाल और हो रहे, रासपा को आपने मौसी कहा, मैंने सुना क्या? क्योंकि मेरा लोग पूछते हैं आप भाजपा की है और रासपा को इतना प्रमोट कैसे करती है, तो मैंने कहा भाजपा मेरी माँ है और रासपा मेरी मौसी है, हम दोनों से समान प्यार करते हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रीय समाज पार्टी के कार्यक्रम में पुणे की दौंड विधानसभा से एकमात्र विधायक राहुल कुल ने पार्टी की कार्यनीतियों से भी अवगत कराया तो धनगर मुद्दे को लेकर भी उन्होंने बात रखी। तो बहुत स्पीड से हमारी पार्टी पूरे महाराष्ट्र में और पूरे देश में बढ़ रही है। आज दिल्ली में ये जो समारोह हुआ उसमें पूरे देश से इधर कार्यकर्ता जुटे हुए हैं, उत्साह बहुत अच्छा है और ये संगठन मजबूत करने का जो भी एक सिलसिला चल रहा है वो बहुत गति से आगे जा रहा है और इधर जो उपस्थित कार्यकर्ताओं के उत्साह में वो दिख रहा है। अभी महाराष्ट्र में धनगर आंदोलन, मराठा आंदोलन सभी चल रहे हैं, लेकिन सरकार की कोशिश है कि जो भी आरक्षण मिले वो टेक्निकली करेक्ट हो, वो संविधान में वो टिके, कोर्ट में भी अगर वो चैलेंज हो तो ठीक से टेक्निकली करेक्ट होना चाहिए। इसलिए कमिटी दोनों आरक्षण के लिए अभी उधर बिठाई है, वो उनका स्टडी चल रहा है, वो अगर रिकमेंड करेंगे तभी ये आरक्षण पॉसिबल है और हम होपफुल है कि दोनों आरक्षण के बारे में वो जो भी मागास वर्गीय आयोग या TIS जो भी कर रहा है वो पॉजिटिवली इसमें सपोर्ट करेंगे, इसको रिकमेंड करेंगे और ये रिकमेंड करेंगे तो ये आरक्षण बिल्कुल टेक्निकली करेक्ट होगा। नहीं तो महाराष्ट्र में इससे पहले भी आरक्षण दिया है, मराठों को आरक्षण दिया लेकिन वो कोर्ट ने उसको रिजेक्ट किया था
इसलिए जो भी आरक्षण मिले वो ठीक से मिले, इस तरह से की कोशिश चल रही है। थोड़ा टाइम भी जा रहा है लेकिन वो गलत नहीं जा रहा, सब ठीक लाइन पे है और दोनों जाति को आरक्षण मिलेगा। राष्ट्रीय समाज पक्ष के 15वें स्थापना दिवस समारोह के शुरुआती दौर में पार्टी के नेतृत्वकर्ता मार्कंडेय स्वरूप महादेव जानकर हजारों लोगों के बीच साधारण तौर पर जनता से रूबरू हुए तो कार्यकर्ताओं से उनकी ठिठोलियां देखते ही बन रही थी। महादेव जानकर मानो दिल्ली की धरती पर नहीं अपने घर आंगन में हों और अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से एक भाई एक दोस्त के तौर पर व्यवहार करते देखे गए। महादेव जानकर का मानना है कि कार्यकर्ता हमारे भाई हैं, परिवार का सदस्य हैं और भाई या परिवार के सदस्य से कभी भी रूखा व्यवहार नहीं रखा जाता। जानकर कहते हैं कि जिन लोगों को संविधान क्या है, राजनीति क्या है, इसके बारे में मालूम नहीं है, उनको राष्ट्रीय समाज पार्टी नेतृत्व करने का मौका दे रही है और जनता इस बात को समझ रही है कि अब उसको डिमांडर नहीं कमांडर बनने का मौका राष्ट्रीय समाज पार्टी की छत के नीचे ही मिल सकता है। मैं ऐसे समाज को तैयार कर रहा हूँ कि जिसको पार्लियामेंट और असेंबली मालूम भी नहीं है, जिसको जुडिशरी और ब्यूरोक्रेसी और मीडिया उसके दखलअंदाज भी नहीं करती थी, जो लोग है कि उसको पार्लियामेंट मालूम होना चाहिए, ये देश का संविधान जिसके लिए बना है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ही मैंने मेरे पार्टी की नींव डाली है। जिस समाज को दल नहीं उस समाज को दल बनाने की मैंने कोशिश किया है। अभी तो मैं जीरो हूँ, जीरो है मेरे पास, तो ना एमपी है, एमएलए है लेकिन एमपी नहीं है। तो ये दुख मैं अभी सीधा मैंने मंच से ही बात करके दिया कि जब मेरे मंच में बगल में मेरे पार्टी का एमपी बैठते हैं तो मेरे हर्ष होगा। अभी मेरे साथ मेरे बगल में मेरा एमपी एमएलए था, एमएलए खड़ा था, इसीलिए ये अभी तैयार है। लेकिन मैं यूपी के पाल और बघेल का धन्यवाद देना चाहता हूँ। यूपी आगरा फतेहपुर ये जो हरियाणा का सेक्टर है, दिल्ली के हमारे समाज के कई लोगों हैं साथी हैं, वो लोगों ने आज का रैली हमें सक्सेस बनने की कोशिश की है। कहीं ना कहीं सर एक धनगर पे मैं पूछना चाहूँगा, एक सवाल लोगों का बना रहता है अपना, भाजपा ने एक पूरा वादा किया, मंच पे आप भी थे, लोगों को पूरा वहाँ से मिला समर्थन कि हम धनगर मुद्दे पर काम करेंगे, लेकिन पूरा 4-5 साल निकलने वाले, क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं एक जो भाजपा में उदासीनता दिखी धनगर को लेकर, उसको लेकर मैं बताना चाहता हूँ कि 70 साल जिस कांग्रेस ने हमारे ऊपर राज किया है, वो लोगों ने एक भी पर्चा आगे नहीं भेजी थी, और जो पर्ची भेजी थी वो गलतफहमी करके भेजी थी। उस डिसीजन मेकिंग में मैं खुद हूँ। महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस जो चीफ मिनिस्टर रहे, वही समाज को न्याय देगा। आज तक के मिनिस्टर ने नाम सेक्युलर का किया लेकिन काम नहीं किया। तो मैं दावे के साथ बताना चाहता हूँ कि 4 साल देर हुआ है लेकिन इंतज़ार का फल मीठा होता है। वो जो संविधानिक बाबी की छानफीन होनी चाहिए, इसके लिए थोड़ा डिले हो रहा है, लेकिन जब 30 का कमेटी कमीशन का आयोग रिपोर्ट आएगा, उसके हिसाब से हम कैबिनेट में पास करके हम सेंटर में भिजवाएंगे। और सेंटर में खाली भिजवाने के काम नहीं होगा, उसको भी बार बार उसका रिव्यू लेना पड़ेगा, वहाँ पीएम साहब के पास जाना पड़ेगा, होम मंत्रालय के पास जाना पड़ेगा, ट्राइबल डिपार्टमेंट के पास जाना पड़ेगा, और उसके बाद तय होगा कि धनगढ़ का मसला सॉल्व हो रहा है। रासपा को और खास करके महादेव जानकर साहब को अब के कैबिनेट में जाने में कितनी मुश्किलें आई खुद की, क्योंकि अपना स्टैंड किया, अपना रासपा से नामांकन किया, भाजपा ने पर्चा दे दिया, कितनी मुश्किलें आपके सामने? मैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह का और देवेंद्र फडणवीस और राव साहेब दानवे और पंकज का धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी एमएलए एक था और एमएलसी बनने के लिए 27 एमएलए चाहिए था, एमएलए को साइन चाहिए था, लेकिन मैं एक एमएलए होते हुए भी मुझे बीजेपी ने सहयोग किया और मेरी बात माननी पड़ी। तो वो लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरी औकात 1 एमएलए की थी,
वी वॉन्ट 27 था, लेकिन बीजेपी ने मुझे भाई बोल के, दोस्त बोल के मेरा वादा निभाया। इसीलिए मैं नरेंद्र मोदी साहब का, अमित शाह का, देवेंद्र फडणवीस का और राव साहब दानवे और पंकजा मुंडे का शुक्रगुजार अदा करना चाहता हूँ। मेरी पार्टी, मैं मेरे पार्टी से मिनिस्टर हूँ, अलायंस मेरी बीजेपी के साथ है। लेकिन जब वो बोल रहे थे कि भाई ऐसा करो, तो मैंने बोला मैंने पार्टी क्यों बना दिया है, तो उसने बोला कि ठीक है आपके पार्टी से आप पर्चा डालिए। तो उसको मैं बीजेपी के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरे जैसी, मेरी ताकत कम होते हुए भी उसने मुझे नज़रअंदाज नहीं किया, मुझे सम्मान देने की कोशिश किया है। तो इसीलिए मैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी, देवेंद्र फडणवीस, दानवे साहब और पंकजा मुंडे को धन्यवाद देना चाहता हूँ। कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री भारत सरकार नितिन गडकरी भी शामिल हुए। उन्होंने राष्ट्रीय समाज पार्टी को स्थापना दिवस समारोह के लिए शुभकामनाएं दी, तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने दिल्ली की धरती पर पहली दफा हुए इस कार्यक्रम को लेकर खुशी जाहिर की। भाजपा के राज्यसभा सांसद और पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर विकास महात्मे धनगर ने महादेव जानकर को त्यागी पुरुष कहा। उन्होंने कहा कि पढ़ लिख कर एक व्यक्ति किसी अच्छी नौकरी की तलाश में निकलता है, लेकिन महादेव जी ने अपनी पार्टी को स्थापित करते हुए आज धनगर समाज ही नहीं बल्कि शोषित गरीब तबके को बहुत कुछ दे दिया है। ये जो राज्यसभा का स्थापना दिन है 15वां, उसके लिए शुभकामना देने के लिए मैं यहाँ खुद आया हूँ। और राज्यसभा हमारा भाजपा का मित्र पक्ष है, और राज्यसभा के महादेव जानकर जी जो बहुत पहले से काफ़ी सालों से मेहनत कर रहे हैं ताकि पिछड़े हुए वर्ग के लोग सभी मुख्य धारा में आए, और उस काम की वजह से उनका पक्ष बढ़ गया। वो उन्होंने खुद ने शादी नहीं की, पूरा जीवन समर्पित किया, और उनके कार्यकर्ता है वो भी खुद का जीवन समर्पित कर रहे हैं देश के लिए, और उन सबको बधाई देने के लिए मैं खुद यहाँ आया हूँ। उन सबको बधाई। राज्यसभा द्वारा आपने जो राज्यसभा में एक आवाज़ उठाई धनगर मुद्दे को लेकर, वो काफ़ी बुलंद हुई आवाज़, क्या कहना चाहेंगे सर कि एक लंबे समय से धनगर समाज लगभग 72 साल से लड़ाई लड़ता आ रहा है, लेकिन लड़ाई को अभी कामयाबी नहीं मिल पा रही। ये आपका कहना सही है, मैं महाराष्ट्र से पहला सांसद हूँ धनगर समाज का जो राज्यसभा में आया हूँ, और इसलिए आप समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र में 1 करोड़ से भी ज़्यादा संख्या है धनगर समाज की, फिर भी अभी तक के एक भी सांसद नहीं हुआ, तो हम कितने पिछड़े हुए हैं और राजनीतिक प्रतिनिधित्व हमें मिल नहीं रहा है। लेकिन अभी सभी धनगर समाज जो है, शेफर्ड कम्युनिटी जो है, वो एक हो रही है, और मुझे लगता है यदि हमें सरकार ने बताया था कि महाराष्ट्र के जो भी उसका चुनावी घोषणा पत्र था उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि हम अनुसूचित जनजाति का आरक्षण के जो भी सहूलतियाँ हैं वो हम धनगर समाज को देंगे, लेकिन यह पूरा नहीं हुआ है, इसलिए हम आंदोलन भी कर सकते हैं, और धनगर जमात में बहुत ही तीव्र रोष है इसके प्रति कि यह क्यों किया गया नहीं। लेकिन अभी हमारी मुख्यमंत्री जी से 2 दिन पहले ही बातचीत हुई, मीटिंग हुई, और मुझे लगता है सरकार सकारात्मक है और यह होगा, ऐसा मुझे लगता है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की वीर धरती से निकलकर दिल्ली की ऐतिहासिक भूमि पर राष्ट्रीय समाज पक्ष की पताका फहराने वाले महादेव जानकर की चमत्कारिक पहल का ही असर है कि रासपा के 15वें जन्मदिन को मनाने के लिए दिल्ली जैसे व्यस्त शहर में हजारों की संख्या में आम जनमानस कार्यकर्ताओं ने पूरे भारत वर्ष से शिरकत की। कार्यक्रम में रासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अक्की सागर, सचिव कुमार सुशील, उत्तर प्रदेश के संयोजक हरिओम जी सहित दर्जन भर लोग व्यवस्थाओं में मुख्य रहे, तो मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री भारत सरकार नितिन गडकरी कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं सम्मानित अतिथियों में केंद्रीय सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गिरिराज सिंह, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर, भाजपा के राज्यसभा सांसद और पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर विकास महात्मे धनगर, महिला एवं बाल कल्याण मंत्री महाराष्ट्र सरकार पंकजाताई गोपीनाथ मुंडे, पुणे दौंड विधानसभा से विधायक राहुल कुल सहित राष्ट्रीय समाज पार्टी के हजारों की तादाद में सम्मानित कार्यकर्ता मौजूद रहे, और उन्होंने पार्टी को चहुं और मजबूत बनाने का एक स्वर में संकल्प लिया। अर्थ न्यूज के लिए करतार सिंह बघेल की रिपोर्ट।